नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। देखो, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्या होगा अगर हमने 21 दिन के लिए शुगर का कंजम्पशन जीरो कर दिया तो आपको उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। इन सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और आपको इसके सारे बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो पहली बात यह है कि जितने भी लोग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम करते हैं उनको लगता ही नहीं कि वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज अगर उनको बोला जाए कि आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो तो उनका एक ही क्वेश्चन रहेगा कि हम तो बस थोड़ा सा चाय में शक्कर लेते हैं या कोई भी थोड़ी सी मीठी चीज कंज्यूम कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम उस चीज से नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली आपके पैकेज फूड से है। देखो, आप जब भी कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा शुगर डाली जाती है। जैसे आप बिस्किट कंज्यूम करते हो उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, या कोई भी आप एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करते हो उसमें भी बहुत ज्यादा शुगर होती है। तो प्रॉब्लम आपको तब आती है। अभी अगर एग्जांपल के तौर पर समझना है ना, तो एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में अगर हम 100 ml का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल भी ले लेना तो उसमें आपको 10 से 11 ग्राम तक शुगर मिल जाती है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ये शुगर हो जाती है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती है। और मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान सिर्फ 100 ml कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करता है, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और बहुत ज्यादा शुगर उसके अंदर चली जाती है। देखो, शुगर आपके लिए है ना, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो वो आपके लिए कोकेन से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और तो और, कई सारे लोगों के घर में मैंने देखा है कि खाना खाने के बाद वो लोग नॉर्मली स्वीट्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा शुगर मिल जाती है। जैसे मोस्टली उसमें रहता है आइसक्रीम। देखो, आइसक्रीम में सबसे ज्यादा शुगर डाली जाती है जो आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और दूसरी बात, कई सारे लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं कि हमें शुगर कम करनी है बट उसकी बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है। तो देखो, क्रेविंग्स इसीलिए होती है, जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। अभी डोपामाइन करता क्या है, वो एक ऐसा हार्मोन है जो आपको अच्छा फील कराता है। जब भी आप कोई शुगरी चीज कंज्यूम करते हो, जब भी आप कोई मीठी चीज कंज्यूम करते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है और डोपामाइन की वजह से आपको क्रेविंग्स बहुत हद तक हो सकती है। और अगर आप ऐसी क्रेविंग्स को बहुत जल्दी ठीक नहीं करोगे या आप शुगर का कंजम्पशन कम नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। जैसे डायबिटीज तो नॉर्मल सी चीज है, उसके साथ साथ आपको कैंसर और उसके साथ साथ आपके हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको शुगर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना है। अभी बात करते हैं, अगर आप 21 दिन तक शुगर का कंजम्पशन जीरो कर देते हो तो आपको उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि अगर आप शुगर का कंजम्पशन जीरो कर देते हो तो आपको वो फैट लॉस में हेल्प करेगा। देखो, जब भी आप शुगर का कंजम्पशन कम कर देते हो तो आपका एपेटाइट बहुत ज्यादा कम हो जाता है और एपेटाइट कम होने की वजह से आपको भूख कम लगेगी और भूख कम लगने की वजह से आपका फैट लॉस होगा। देखो, जब भी आप शुगर का कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो आपकी बॉडी फ्लूइड एंड वाटर को रिटेन करेगी, जिसे हम वाटर रिटेंशन भी बोलते हैं। इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको शुगर का कंजम्पशन बहुत हद तक कम करना है। अभी शुगर का कंजम्पशन जीरो करने की वजह से आपको दूसरा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपको एक एंटी एजिंग इफेक्ट मिलेगा और उसके साथ साथ आपकी स्किन क्वालिटी बेटर होगी। देखो, जब भी आप शुगर का कंजम्पशन बढ़ा दोगे उस टाइम पे आपके बॉडी में ग्लाइकेशन बढ़ता है। अभी ग्लाइकेशन करता क्या है, ग्लाइकेशन आपके स्किन पर रिंकल्स को आपके स्किन पर बढ़ावा देता है और इसी वजह से आप बूढ़े लगने लगते हो। बेसिकली ग्लाइकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके कोलेजन को डैमेज करती है और कोलेजन का काम ही है आपके स्किन को टाइट एंड फर्म रखना। अगर आप शुगर का कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो आपका कोलेजन खत्म हो जाएगा और आपके स्किन पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप शुगर का कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो आपको एक्ने और पिंपल के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी शुगर का कंजम्पशन जीरो करने की वजह से आपको तीसरा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि ये एक तो आपका मूड एनहांस करेगा और उसके साथ साथ आपका फटीकनेस भी कम करेगा। देखो, जब भी आप शुगर का कंजम्पशन बढ़ा दोगे ना तो उस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थक जाएगी और ये इसीलिए होता है कि शुगर आपके बॉडी में जो ओरेक्सिन सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब करता है। अभी ओरेक्सिन सिस्टम का क्या मतलब है, अभी ओरेक्सिन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो आपके एपेटाइट, वेकफुलनेस और आपके अराउजल को रेगुलेट करती है, जिसे कि हाइपोक्रेटिन भी कहा जाता है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर आप शुगर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपकी ओरेक्सिन सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। अभी चौथा बेनिफिट ये है कि आपको एंजाइटी एंड डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा अगर आप शुगर का लेवल एकदम जीरो कर दोगे तो। देखो, बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि आपका अगर शुगर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है तो आप थके हुए महसूस करोगे, आपको एंजाइटी होगी, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। और पांचवा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, यू विल फील लेस हंग्री। देखो, कई सारी स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि अगर आपका शुगर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है
और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और आप बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हो और उस टाइम पे आपका वेट गेन भी हो सकता है। तो अगर आप अगले 21 दिन तक शुगर को बिल्कुल ही क्विट कर दोगे तो आपको उसके इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो में से थोड़ी सी सीख लेकर आप शुगर का कंजम्पशन बहुत हद तक कम करोगे या क्विट कर दोगे और उसका आपको ही फायदा मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, एक शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।